यहाँ हल्द्वानी में देखिए हल्द्वानी का फेयर लगा हुआ है और इसको बोलते हैं नुमाइस। तो ये नुमाइस की बात करूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर विजिट की थी। सबसे मेन जो एंट्री पॉइंट है, इस एंट्री पॉइंट में ही आपको लंदन ब्रिज जो लिखा हुआ है वो दिखाई देगा यहाँ पर। और आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर झूले आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको अंदर ले जाता हूँ तो देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक क्रिसमस के आसपास के टाइम पर लगी थी, दिसंबर महीने में। थोड़ा सा वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन जब नैनीताल की तरफ जाते हैं तो एक हल्द्वानी सिटी पड़ता है, तो वहाँ पर ये फेयर लगा था। तो मैं वहाँ विजिट की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस जो भी फेयर लगा है वहाँ दिखाऊँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका एंट्री गेट है। अब एंट्री गेट के यहाँ से देखेंगे तो आपको सामने झूले वगैरह दिखा रहे दे रहे होंगे। और यहाँ जो स्पेशली फेयर्स का बात करूँ तो ये ठंडू के दिनों में लगता है, और यहाँ पर बहुत सी लोकल्स की जो शॉपकीपर है वो आते हैं। देन आफ्टर बाहर से भी, जैसे कि आपको जम्मू के लोग मिलेंगे, वेस्ट बंगाल के, यूपी के, तो जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर असेंबल होके अपनी शॉप्स वगैरह लगाते हैं। देख सकते हैं बच्चों की बात करो तो बच्चों के लिए आपको टॉयज़ वगैरह काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल जाते हैं यहाँ पर। और बात करो यहाँ पर तो क्लोथ्स वगैरह की भी आपको लेफ्ट साइड में शॉप दिखाई दे रही होगी। तो इस बार का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट था, जो इसकी एंट्री में लंदन ब्रिज की थीम दी थी, और एक कालीन वगैरह भी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर स्पेशली बात करूँ तो हल्द्वानी में जो ये बोलते हैं इसको नुमाइश बोलते हैं। तो किसी मैं यहाँ पर विजिट कर रहा था नैनीताल की तरफ, तो किसी ने बोला कि यहाँ नुमाइश लगी है। तो जब मैंने विजिट करने का सोचा तो कुछ लोगों ने बोला कि आप यहाँ है? भी आप यहाँ पर आइए और देखिए कि कैसा लगा हुआ है। तो मैं यहाँ विजिट की मैंने, और स्पेशली मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो झूले वगैरह हैं वो काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लगे। है? मैं आपको आगे दिखाऊंगा यहाँ पर, देखिए बगल में आपको जो क्लोथ्स की है, रेडीमेड क्लोथ्स की, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। देन आफ्टर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको टाइप टाइप के जितने भी डिशेज, चाहे वो सॉप वगैरह हो, वो दिखाई देंगे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर नमकीन वगैरह रखी हुई है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो बच्चों के खिलौना वगैरह है वो दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको झूलों की तरफ ले जाऊंगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको आइसक्रीम वगैरह के भी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। काफ़ी रश रहता है, और जैसे कि ठंडी है लेकिन ठंडी के मौसम में भी काफ़ी रश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इट मीन्स जो इसकी मतलब लोगों के बीच इन्होंने जो देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी उत्सुकता है, तो लोग यहाँ आ रहे हैं। स्पेशली नाइट के टाइम पर, शाम के टाइम पर काफ़ी भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह से आपको लग रहा होगा कि काफ़ी यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है। स्पेशली ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और झूला आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर इस बार की जो जो भी फेयर लगा है उसमें झूले वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं जो सजाने के लिए चीज़ें होती हैं वो रखी हुई है। सामने आपको आइसक्रीम का पार्लर या फिर शॉप दिख रही है। यहाँ पर लोग खा रहे हैं, ठंड हो रही है लेकिन ठंड में भी लोग खा रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए छोटे बच्चों के आपको कपड़े, देन आफ्टर साड़ियाँ, और सामने आपको झूला दिखाई दे रहा होगा जहाँ लाइट्स वगैरह आपको दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए। और यहाँ पर बात करूँ तो कप की भी देखिए बहुत बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। अप्रोक्स 70-80 रुपये में एक दर्जन कप मिल रहे हैं। वो वरी करते हैं किस क्वालिटी का कप है, तो जो भी है मतलब आपकी बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर सामान मिल जाता है। जैसा आपका बजट है आप वैसा सामान यहाँ पर ले सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कप आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने, ऐसा लग रहा है कि हम कप की किसी फैक्ट्री में आ गए। देख सकते हैं आप यहाँ पर 70-80 रुपये दर्जन से ऊपर के कप है, 200-250 रुपये, इस तरह के, जैसे आपकी अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह के। सामने आप देखिए अभी हम आ गए हैं झूले वाले काउंटर की तरफ। ये देखिए बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। पर इस बार जो झूले वगैरह हैं काफ़ी लगे हुए हैं। पिछली बार भी मेरी एक वीडियो अपलोड है, आप वहाँ देखेंगे, तो उस बार उतने झूले वगैरह नहीं थे, लेकिन इस बार देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और बात करूँ यहाँ पर स्पेशली इस बार जो चीज़ लगी हुई है, तो ये झूले आपको जो दिखाई दे रहा होगा, सामने जो झूला दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लाइट्स दिख रही है अपनी ट्राई कलर की, तो उसके बगल में जो झूला है नाव टाइप का झूला, ये नया आया है इस बार, और लाइट्स वगैरह से इन्होंने इस बार इसको काफ़ी बढ़िया दिखा रखा है। बच्चों के लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पर बच्चों के लिए आपको काफ़ी झूले मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे आपके राइट हैंड में दिखाई दे रही है, और सामने भी आपको दिखाई दे रहे हैं झूले। लोग आते हैं यहाँ पर विजिट करते हैं। और बात करूँ यहाँ पर एंट्री फीस की, तो इस बार एंट्री फीस यहाँ पर
20 रुपीज़ थी। मतलब बच्चों का तो नहीं लेते हैं, लेकिन बड़े लोग हैं एडल्ट जो है उनका 20 रुपया एक बंदे का यहाँ पर एंट्री फीस लगता है। मतलब आप यहाँ आ रहे हैं तो 20 रुपये में आप देख सकते हैं कि अंदर क्या क्या लग रहा है। बाकी जो आप जैसे आप झूले में जो घूमते हैं या फिर कोई चीज़ लेते हैं, देन आफ्टर यू हैव टू पे फॉर दैट सर्विसेज। ये देख सकते हैं झूला आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इतना बड़ा नाव वाला झूला। फिलहाल मैं इसमें बैठा तो नहीं हूँ, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि ये झूला किस तरीके से झूल रहा है। देखिए स्पेशली मैं जो बात कर रहा था, यही झूले की बात कर रहा था मैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कितना झूल रहा है, और जो भी बैठे हैं उनको काफ़ी डर भी लग रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। और ये देखिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, ये लास्ट एंड है। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि खेलने के लिए जैसे रिंग वाली चीज़ें भी हैं, तो रिंग वाले काउंटर की तरफ जाता हूँ। बच्चों के देख सकते हैं यहाँ पर जंप के लिए भी बना रखा है, तो अभी मैं रिंग वाले काउंटर की तरफ ले जा रहा हूँ आपको, मुझे सामने दिखाई दे रहा है। तो रिंग वाले काउंटर में देख सकते हैं इस तरीके से अगर आपने छल्ला डाला तो वो इनाम आपको मिलता है। तो आगे भी कोशिश करूँगा कि जहाँ मैं विजिट करूँ तो आपको दिखाऊँ मैं। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।